नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे। आज का जो श्लोक नंबर 33 है, बहुत ज्यादा आपसे और मुझसे और साथ साथ में अर्जुन से भी कनेक्टेड है। चलिए कैसे वो देखते हैं। श्लोक कौन सा है? मेरे मन में यही सवाल आया था कि क्या अर्जुन भी हमारी तरह सोचते थे? इतने महान योद्धा के रूप में हमने उनको पाया है, किताबों में, महाभारत में पुस्तकें उनके ऊपर लिखी गई है और जिनकी वजह से हमें गीता मिली है, तो भी मुझे ये प्रश्न थोड़ा सा सताता है कि क्या अर्जुन हमारी तरह सोचते थे? आपकी मेरी तरह बहुत नॉर्मल राजा के राजकुमार होने के बावजूद? तो चलिए आज उसको देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आपके और मेरे दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके जैसे ही काफी सारे आपके फ्रेंड्स हो उनमें इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखते हैं श्लोक कौन सा है। अब मैं श्लोक तो नहीं पढ़ूंगी, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वह पढ़ लेते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेशन, ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 33, पहला अध्याय हम देख रहे हैं और पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद मतलब दुख, दुख से जो अर्जुन का जुड़ाव हुआ था हम उसी को देख रहे हैं। चलिए एक और श्लोक है इसमें, श्लोक नंबर 33। ये क्या है? अर्जुन श्री भगवान से कह रहे हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि की इच्छा है वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब इन्होंने क्या कहा फिर से सुनिएगा। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि की इच्छा है वे लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब इसको बहुत अच्छे से सोचने की जरूरत है। मेरा सबसे पहला सवाल जो मन में उठता है मेरे मन में, वो ये कि क्या सही में हर व्यक्ति किसी और के लिए धन की कामना करता है, किसी और के लिए सुख की कामना करेगा, या किसी और के लिए बड़े महलों की, भोग की ऐसी कामना करेगा? किसके लिए करेगा? मैं चलो आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। एक पिता है, वो अपने पुत्रों के लिए बहुत मेहनत करता है, पर आप अगर अंदर से देखेंगे तो वह मेहनत इसीलिए करता है क्योंकि पिता और पुत्र कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही पिता दूसरे के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्लियरली है कि यहाँ अपना और पराया, इसका ही विभाजन है। आप देखो तो कौन अपना है, कौन पराया है। और यहाँ तो ये भी नहीं है, महाभारत में कैसा है, कौन बहुत अपना है, कौन थोड़ा अपना है, इसका विभाजन यहाँ पर किया है। और अर्जुन ये कह रहे हैं कि हम जिसके लिए सुख की कामना कर रहे हैं वे तो हमारे विरुद्ध खड़े हैं लड़ने के लिए, ऐसा लड़के मैं क्या करूं? पर यही चीज अगर अर्जुन बोल रहे हैं, वो भी युद्ध के समय में, जबकि युद्ध करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा वे एस्केपिस्ट हो रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें युद्ध नहीं लड़ना। अगर हम अर्जुन को अच्छे से समझते नहीं है, अगर हमें महाभारत की कथा आगे से पता नहीं है, अगर हम कृष्ण को समझते नहीं है, वैसे इस बात पर मैं ये भी बता दूं, मैंने कृष्ण के ऊपर भी 15-16 वीडियोस बनाए हैं, कृष्ण को कैसे समझा जाए, उनकी मानसिकता को कैसे समझा जाए, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। उसके बाद भगवत गीता समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए तो और आगे देखते हैं। अगर हम नहीं समझते हैं अर्जुन को, अगर हम कृष्ण को नहीं समझते हैं, तो ये जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, वह काम सिर्फ आप अपने लिए करते हैं और ये तय है। इस अपने लिए करने वाले जो काम को हम ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, पर तुम्हें अप्रिशिएशन चाहिए,
सपोज मैं इस चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि एक तो मैं लेडी हूँ और वर्किंग वुमन हूँ। घर पे जब हम खाना बनाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि छोटा मोटा ही सही पर एप्रिशिएशन मिल जाए। क्या एप्रिशिएशन लेना हमारी जो इच्छा है वो वही तो नहीं है जो ये अर्जुन कह रहा है? हम ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि हम हर काम किसी और के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात थोड़ी कड़वी है, काफी लोगों को ये ठीक नहीं लगेगी, पर होता यही है। अगर दो लोग हैं, आपस में अच्छे से रह रहे हैं, पर यही दो लोग, सपोज एक पति है जो पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत अच्छे से, और कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब उनको डिवोर्स लेना पड़ जाए, तो क्या वही प्रेम डिवोर्स के बाद भी रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो व्यक्ति तो वही है, सिर्फ कंडीशंस बदल गई, उनका जो संबंध है वो बदल गया। तो यहाँ पर सारी की सारी जो धूरी है ना, सारा का सारा ये जो इनका मानस अर्जुन का, वो संबंध पे आके रुकता है। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आती है, आप बताइए, अगर आप दुनिया में अकेले इंसान हो और जिसका अपना कोई भी नहीं, कोई भी नहीं खुद का कहने लायक, तो क्या आप बड़ा महल खरीदेंगे? आप रहेंगे बहुत बड़े घर में? नहीं, आपके लिए तो एक कमरा भी बहुत हो जाएगा। आप किसको दिखाने के लिए बड़ा घर खरीदेंगे? अधिकतर इंसान की जो मानसिकता है वह ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के बीच में घूमती रहती है। व्यक्ति की ईर्ष्या, कोई मुझसे अच्छा कैसे बन जाए? अब वो फैमिली मेंबर्स में हो तो कुछ ज्यादा ही होता है। जब एक भाई जितना सगे भाई का दुश्मन हो सकता है, उतना पड़ोसी नहीं हो सकता, और ये अधिकतर घरों में देखा गया है। अधिकतर घरों में एक भाई जितना दूसरे भाई का दुश्मन हो सकता है, पड़ोसी नहीं हो सकता। और इसमें जो मूल है, जो बीज है, वह सिर्फ ईर्ष्या भाव है। अगर ईर्ष्या होगी तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ वे लोग तो युद्ध के लिए खड़े हैं। अब आप बताइए, अर्जुन दोहरी बातें नहीं कर रहे? अगर अर्जुन को उन्हीं के लिए युद्ध जीतना था तो वे तो ऑलरेडी उस राज्य पे शासन करते हैं। अगर वे द्रोणाचार्य के लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं तो द्रोणाचार्य ऑलरेडी वहां के गुरु हैं। अगर अर्जुन भीष्म पितामह के लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी वहां पर भीष्म जो है वो ऑलरेडी वहां पर शासन करते हैं। अर्जुन यहाँ पर खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए, पांडवों के लिए ये युद्ध लड़ना चाहता है। तो अर्जुन मन में तो समझ रहा है कि मुझे ये युद्ध लड़ना है, पर उसका जो अरिजु पना है, जो उसकी सौम्यता है, इस ये सौम्यता, ये इमोशंस उसे ये कहती है कि नहीं नहीं, मैं उनके लिए भी युद्ध लड़ रहा हूँ जो सामने वाले पक्ष में बैठे हैं। जो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, विपरीत है। अर्जुन किसी के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा था। एक्चुअली अर्जुन को तो युद्ध लड़ना ही नहीं था, ये उसके लिए ऊपर से आया गया दायित्व था जिससे उसे भागना था। सीधी सी बात है, इसी वजह से वो ये कह रहा है कि मैं किसके लिए युद्ध लड़ूं? जो मेरे सामने खड़े हैं, जिनके लिए मुझे सारी मेहनत करनी है, वे तो मेरे सामने मरने को खड़े हैं। यही कंडीशन आपकी और हमारी भी आती है। जब हम जॉब कर रहे होते हैं तब हमें अंदर से तो पता होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं या घर से बाहर निकले हैं कुछ कमाने के लिए, वो हम शायद घर के लिए नहीं कमा रहे हैं, वो हम कमा रहे हैं हमारे खुद के लिए। हमें खुद को पगभर होना होता है, हमें खुद को सक्षम होना होता है, और हमें हमारे खर्चे किसी और पे डालने नहीं होते, हम इसलिए कमाते हैं। हाँ, फिर उसके साथ साथ हम फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं। घर में लोग कहते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा है, काफी कम उम्र में बहुत कमाने लग गया। ये एप्रिशिएशन तुम्हें चाहिए होता है, और इसी एप्रिशिएशन के लिए लोग बाहर कमाने भी जाते हैं और घर पर हेल्प भी करते हैं। अगर आप मदद करते रहो किसी को और वहां पर किसी तरह का एप्रिशिएशन ना मिले, तो भी आप
अगर अच्छे हैं, बहुत अच्छे अर्जुन की अवस्था में, तो भी आप मदद तो करोगे पर आपको मन नहीं होगा। आप सिर्फ इसीलिए करोगे क्योंकि वो आपकी ड्यूटी में आ जाता है। तो यही चीज है जो अर्जुन के मन में आया, पर मन में कुछ और आया और कृष्ण से बोल कुछ और रहे हैं। तो अर्जुन भी कहीं ना कहीं हमारे जैसी अवस्था में है। हम भी तो बातों को कवर कर करके बोलते हैं, मन में कुछ और आ रहा होता है पर पॉलिश्ड वे में बोलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कुछ क्वेश्चन हो या आप मुझसे सहमत ना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं राह देखूंगी। धन्यवाद।